नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, इंश्योरेंस एक्सपर्ट, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्लान लेके आया हूँ। ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जिसका प्रीमियम जिंदगी भर सेम रहता है, किसी भी एज पर बढ़ता नहीं है। ऐसा शानदार प्लान आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्लान का नाम है SBI आरोग्य प्लस, बहुत ही जानदार शानदार प्लान। और दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी न्यूज बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग सिर्फ यही प्लान 10,000 से ज्यादा पॉलिसीज बेचते हैं एक साल के अंदर। और इतना जबरदस्त प्लान है दोस्तों, जो लोग भी 40 से प्लस है, 45 से प्लस है, 50 से प्लस है और जिंदगी भर ऐसा प्लान भी ढूंढ रहे हैं जिसमें जिंदगी भर प्रीमियम सेम रहे। सबसे पहले कौन लोग प्लान ले सकते हैं, 18 साल से लेकर 65 साल तक कोई भी पर्सन इस प्लान को ले सकता है। चाइल्ड एज की बात करें तो इसमें 2 चाइल्ड एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड कवर हो सकते हैं और उनकी एज है 91 डेज से लेके 25 इयर्स तक इस पॉलिसी में एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड पॉलिसी में आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितने लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 सबमिशन अवेलेबल है। पहला है 1 लाख, दूसरा 2 लाख और तीसरा है 3 लाख। मैं हमेशा सभी को रिकमेंड करूंगा कम से कम 3 लाख लेना चाहिए। 1 लाख 2 लाख बहुत ही कम रहता है जो कि जेन्युइनली यूजेबल नहीं है। 3 लाख रुपए का प्रीमियम बहुत ही शानदार प्राइसिंग में अवेलेबल है। सबसे पहले आपको प्रीमियम बताता हूँ। प्रीमियम है 15,753 रुपए, 15753। एक साल का प्रीमियम 15,753 रुपए, जिसका प्रीमियम किसी भी एज पर घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये लाइफ टाइम प्रीमियम सेम है दोस्तों। और ये एक साल का प्रीमियम है 3 लाख रुपए के लिए। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे पॉलिसी ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ पॉलिसी ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा पॉलिसी ले सकता है या अकेला पर्सन, वहाँ हस्बैंड या वाइफ या फादर या मदर, कोई भी एक पर्सन पॉलिसी लेना चाहे या हस्बैंड मदर फादर दोनों पॉलिसी लेना चाहे आराम से ले सकते हैं 18 साल से लेके 65 साल तक। बात कर लेते हैं प्री मेडिकल टेस्ट की, तो 55 साल तक कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, बिना मेडिकल टेस्ट के ही पॉलिसी मिल जाता है। अगर कोई पर्सन 55 साल से ऊपर है और 65 साल तक की एज का है तो हम पॉलिसी दे सकते हैं। उनका प्री मेडिकल टेस्ट होगा, ओनली टेली वेरिफिकेशन कॉल होगी। कॉल करके कस्टमर से प्रॉपरली पूछा जाएगा कोई डिसीज है या नहीं, उसको कंफर्मेशन देना होगा और वो कंप्लीट करते हैं तो कोई मेडिकल टेस्ट के बिना उनको पॉलिसी मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और सबसे अच्छी चीज प्रीमियम ये रहेगा। प्लस इसके कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लूं, प्लान में क्या क्या कवर होगा। जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो बिना एडमिट कोई भी पॉलिसी काम नहीं करती, ये भी नहीं करती। 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं सभी पॉलिसीज के अंदर, जैसे कि मैंने अपनी सभी वीडियोस में बताया हुआ है। सबसे पहला रूल होगा 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना जरूरी होगा, बिना एडमिट हुए कोई भी पॉलिसी काम नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल होता है, आज पॉलिसी लिए तो पहले 30 दिन वेटिंग पीरियड रहेगा और 30 दिन के बाद ही किसी भी तरह की कोई भी बीमारी इस पॉलिसी में काम करेगी। और तीसरा एट लास्ट नॉट लीस्ट, कोई भी एक्सीडेंट की अगर जरूरत पड़ती है तो ना 24 घंटे की कंडीशन होगी और ना ही 30 दिन की। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे के लिए भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं एक्सीडेंट की वजह से तो पॉलिसी में कवरेज होगा, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। अब और मेन फीचर्स की बात कर लूं, इस पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, 60 दिन पहले का और 90 दिन बाद का, यानी कि एडमिट होने से पहले के खर्चे 60 दिन तक के पॉलिसी में कवर होते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे 90 दिन तक इस पॉलिसी में कवर होते हैं। वो कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, जब भी कोई पर्सन बीमार होता है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, पहले आसपास लोकल डॉक्टर से इलाज कराता है 5 दिन 10 दिन 15 दिन, चाहे फीवर हो या कोई भी बड़ी दिक्कत हो, तो उस केस में जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है, टेस्ट कराता है, उन सब में भी कुछ खर्चे लगते हैं। 10वें दिन 15वें दिन डॉक्टर बोलता है आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो जो आपके पहले के खर्चे हैं एडमिट होने से पहले के खर्चे, वो 60 दिन तक का पूरा खर्चा इस पॉलिसी से ले सकते हैं। और डिस्चार्ज होने के बाद अगर डॉक्टर कहता है कोर्स पूरा नहीं हुआ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना दवाइयां और चलेगी, बाद में टेस्ट भी होंगे, दिखाने भी आना पड़ेगा, तो वो खर्चे भी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के इस पॉलिसी के थ्रू रीइंबर्समेंट कराए जा सकते हैं। हॉस्पिटल में जब भी आप एडमिट होते हैं तो रूम लेना पड़ता है, बिना रूम लिए कोई भी इलाज नहीं करा सकते, तो यहाँ पर रूम की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी 3 लाख की जरूरत है दोस्तों, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आप ले सकते हैं, कोई कैप नहीं है इसके लिए। आईसीयू रूम की भी कोई कैपिंग नहीं है। हॉस्पिटल का पूरा बिल कैशलेस होगा, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। और जहां कैशलेस अवेलेबल नहीं है वहां पर आप रीइंबर्समेंट करा सकते हैं, वो रीइंबर्समेंट भी आराम से हो जाता है।
यानी कि बाद में पहले आपको खुद पे करना पड़ेगा और बाद में रिइंबर्समेंट हम लोग करा के देंगे। जहां पर कंपनी का टाई अप नहीं है, ये उस केसेस की बात कर रहा हूँ, जहां कंपनी का टाई अप होगा जिस हॉस्पिटल के अंदर वहां कैशलेस होगा। अब बात कर लेते हैं अदर फीचर्स के बारे में। ऑपरेशन नीड, स्पेसिफिक ऑपरेशन नीड, जब भी आप कोई नई पॉलिसी खरीदते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की तो सभी कंपनीज के अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइन इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड है। ये बहुत बड़ी यूएसपी है इस प्लान की, जिसके लिए भी आपको ये प्लान लेना चाहिए। प्लस जैसे ही आप लोगों की एज मैक्सिमम होती है, अदर कंपनीज की बात कर रहा हूँ, 45 के बाद, 50 के बाद, 55 के बाद, सभी कंपनीज के अंदर प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी एज पर प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। जो आपने एक बार एंटर कर गए तो लाइफ लॉन्ग यही प्रीमियम आपका चलता रहेगा, इसलिए भी ये प्लान सबसे ज्यादा बिकता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर किसी को कोई पहले से पुरानी बीमारी है, जैसे बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिसी मिल जाती है, डिस्क्लोज करके पॉलिसी मिलेगी और 4 साल का इसमें वेटिंग पीरियड आएगा। कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी चार्ज नहीं करती है पुरानी बीमारी डिस्क्लोज करने से। लेकिन अगर कोई बैड हैबिट्स हैं, आप स्मोक करते हैं, टबैको च्यूइंग करते हैं या कोई अल्कोहल यूज करते हैं, तो उसके लिए 5% ऑफ एक्सपेंस, जो भी आपका समी छोड़ है, प्रीमियम है 15,753, उसका 5% उसका कैलकुलेट करें तो 788 रुपीज आपको चार्ज देना पड़ेगा पर बैड हैबिट्स। यानी कि स्मोकिंग करते हैं तो 5% 788 रुपए, स्मोकिंग के साथ च्यूइंग भी करते हैं, टबैको च्यूइंग भी करते हैं, तो आपका अगेन 5% ओवर एड हो जाएगा। और अगर अल्कोहल भी यूज करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, तो टोटल 15% आपको लोडिंग देनी पड़ेगी। तीनों में से एक चीज करते हैं तो 5%, दो करते हैं तो 10% और 3 करते हैं तो 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और बेस्ट पार्ट, यहाँ पर 2 साल और 3 साल के लिए भी इकट्ठा पॉलिसी लिया जा सकता है। 2 साल का अगर इकट्ठा प्रीमियम लेते हैं तो 29931 का प्रीमियम आएगा 29,931 रुपए, और अगर 3 साल का इकट्ठा लेते हैं जिसका प्रीमियम आएगा 43715 43,715 रुपए में 3 साल का पॉलिसी आराम से मिल जाएगा। 1 साल ऑप्शन है, 2 साल ऑप्शन है और 3 साल का भी वन शॉट में लेने का ऑप्शन है। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर। टीपीए की बात कर ले दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर टीपीए पैरामाउंट टीपीए है, जो कि जनरली अच्छा और बढ़िया टीपीए है। क्लेम सेटलमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। पॉलिसी कैशलेस की बात कर ले, 100% कैशलेस पॉलिसी है, कोई सबलिमिट्स वगैरह नहीं है पॉलिसी के अंदर। आयुष ट्रीटमेंट भी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। एम्बुलेंस की बात करें, 1500 रुपए तक का एम्बुलेंस पॉलिसी के अंदर यूज कर सकते हैं। जनरली बहुत शानदार और बढ़िया पॉलिसी। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, समझते हैं और SBI को बैंक की पॉलिसी समझ लेते हैं। दोस्तों ये बैंक की पॉलिसी नहीं है, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, और हम लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर पॉलिसी सेल करते हैं। किसी भी स्टेट में आपको हमारे से पॉलिसी लेना हो, हम लोग इजीली आराम से प्रोवाइड करते हैं। बैंकर पॉलिसीज में ये सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे और बैंकर पॉलिसी आपके लिए अच्छी नहीं होती है। कई सारे लोग बोलते हैं बैंक से जो पॉलिसी मिलता है वहां से लेने में क्या दिक्कत है, तो बैंकर पॉलिसी लेने में सबसे बड़ा नुकसान होता है वहां पर क्लेम के टाइम पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हर चीज के लिए कस्टमर केयर नंबर का नंबर दे देते हैं और कहते हैं कि वहीं पे जाके बात करो। दे नेवर सपोर्ट एज पर बैंकर। और जो हम लोग बात कर रहे हैं ये SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। हम लोग प्रॉपरली सर्टिफाइड एजेंट्स हैं, सर्टिफाइड एडवाइजर्स हैं, जो जनरल गाइडेंस देते हैं और जनरल पॉलिसी सेल करते हैं। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हाथों हाथ ऑनलाइन पॉलिसीज इश्यू करते हैं। आप किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी हमारे साथ फेस नहीं होता है। जो बैंक के थ्रू पॉलिसी लेते हैं उनका पॉलिसी कभी भी, वो पोर्ट कराना चाहे, शिफ्ट कराना चाहे, कभी भी पोर्ट नहीं होगा। लेकिन जो हमारे थ्रू पॉलिसीज लेते हैं कभी भी इसको अपग्रेड करा सकते हैं, पोर्ट करा सकते हैं, साथ में हम सुपर टॉप अप भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 3 लाख का पॉलिसी जनरली कम रहता है। इसके साथ में हम लोग अदर कंपनीज का या सिमिलर कंपनी का टॉप अप ऐड करके पॉलिसी को बड़ा करने के लिए भी सजेशन देते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक आप पॉलिसी को अपग्रेड कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं सुपर टॉप अप के माध्यम से। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसका प्रीमियम तो पहले कम होता था, अब प्रीमियम क्यों बढ़ गया। उसका भी रीजन बताया था आपको। अभी 2 साल से आप सभी को पता है कोविड सिचुएशन चल रहा है, पहले इसी पॉलिसी का प्रीमियम 10,502 रुपए हुआ करता था और वो पॉलिसी हमने बहुत सेल करी है, बहुत ज्यादा ऑल ओवर इंडिया की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे लोगों ने इस पॉलिसी को लिया। जिन्होंने लिया उनका आज भी वैसा ही चल रहा है, उनके में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अभी कंपनी ने 10,502 की स्कीम को
वापस कर लिया है। अभी कोई भी कंपनी, अभी स्पेशली एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई कंपनी पुराना वाला प्लान नहीं दे रही है, 10,502 वाला ऑप्शन बंद करके इस ऑप्शन को कंटिन्यू चालू किया है, जिसका प्रीमियम 15,753 रुपए है। एक साल और दो साल और तीन साल का प्रीमियम मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस प्लान को जल्द से जल्दी लेने की कोशिश करें, और हमारे से लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, हमसे बात कर सकते हैं, पूरे प्लान की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आया होगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र।